जो भी मेरी मां समान है, जो पिता तुल्य है और जो परम राष्ट्र भक्त है, उन सभी को इस अमित आजाद का एक बार नमन है। आप सब स्वीकार करें। आज बहुत ही पुण्य और पावन दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पावन दिन तो इस धरा पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज वो ही दिन है जिस दिन एक फर्जी अदालत लगा करके शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु और शहीद आजम भगत सिंह जी को एक फर्जी मुकदमा चला करके सभी को ज्ञात होगा, हर भारतवासी को, कि जिस बम के केस में उनको उस अदालत में ले जाया गया, उन माटी के पुत्रों को, उस बम से तो कोई हताहत भी नहीं हुआ था। वही एक ऐसी स्थिति है, इसीलिए मैंने कहा वो बहुत पावन स्थिति है। जनसेवा समिति का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने एक ऐसे दिए में तेल डालने का काम किया है जो ये शहीद जला करके गए। मैं ऐसा मानता हूं कि क्रांतिकारी परिवार की हैसियत से और एक राष्ट्रभक्त की हैसियत से, एक आम आदमी की नागरिक की हैसियत से, कि जो लोग भी, मैं सुनील भाई को ही नहीं कहता, जो भी देशभक्त या राष्ट्रभक्त उन शहीदों का नाम लेता है वो उस भी दिए में तेल डालने का काम करता है। ये जो गैर राजनीतिक संगठन है जैसे जनसेवा समिति है, ये भाई साहब मुझे पवन वर्मा जी के माध्यम से मिले, जो कि मैं बताऊं हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, और परम राष्ट्रभक्त की मिसाल उन्होंने भी दी है। दिल्ली में आप 6 महीना वो सबको जल पिलाते हैं, एक बार उनके लिए आप जरूर आ जाए। ये होती है देशभक्ति। एक चीज मैं और बहुत बड़ी यहां से कहना चाहूंगा कि जब हम पर मुसीबत पड़ती है, शहीदों पर भी मुसीबत पड़ी थी, योगेश्वर श्री कृष्ण पर भी मुसीबत पड़ी, भगवान राम पर भी मुसीबत पड़ी, लेकिन हम मुसीबतों का रोना ना रोने लग जाए। जैसे कि ये पवन जी हैं, इनको एक बार एक जगह पानी नहीं मिला, ये बहुत परेशान हुए, बहुत प्यासे थे, इनका गला सूख गया, कई घंटों बाद इन्हें पानी नसीब हुआ। उस दिन इन्होंने संकल्प लिया कि मैं अब ये किसी को प्यासा अब नहीं रहे। तो ये 6 महीना ना कि हम रोने लगे कि सरकार ने पानी नहीं लगाया या किसी अमुक व्यक्ति ने हमें जल नहीं पूछा। इसलिए जब भी हम पर दुख आए, हम इन शहीदों को याद करें, हम याद करें उस शहीद चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी को, और याद करके संकल्प लें कि मुझ पर जो मुसीबत पड़ी है मैं देश में किसी के ऊपर नहीं आने दूंगा। ये मेरा दृढ़ और अखंड संकल्प है, ये संकल्प हमारा होना चाहिए, क्योंकि शहीद तो कम से कम हमें यही सिखा करके गए। और आज इसी शहीदों के अवसर पर मैं उन्हीं की लाइन पढ़ना चाहूंगा कि सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, रह बड़े राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूरी मंजिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जाहले हैं बलबले हैं ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है, कह रहा है मक्सल में इसका इलाज बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का मैं चर्चा गैर की महफिल में है, सर भरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अभी मैंने देखा इतना मार्मिक दृश्य उन बच्चों ने यहाँ पर किया, उन बच्चों के लिए एक बार पुनः तालियां बजाऊं। यही हमारा देश है, यही हमारा जो बच्चे यहाँ पर बैठे, यही आने वाला देश है, यही आने वाले चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह है। क्योंकि योगेश्वर ने भी कहा था, यदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप पड़ेगा मैं रचूंगा, और किसके रूप में रचते हैं वो, आजाद के रूप में रचते हैं।
वो भगत सिंह के रूप में वो आते हैं हमारे बीच में और फिर आएंगे इन्हीं बच्चों के रूप में, वही योगेश्वर कृष्ण। ये उनका कथन गलत नहीं है। और आज आप सब ठान लीजिए, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ पूरी प्रमाणिकता के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ, उसमें लेश मात्र भी छूट नहीं होता है। ईश्वर ने भी कहा है कि अनन्यान निश्चिन्त्यन्तो मा ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जब हम कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो ईश्वर ने कहा है यदि वो शुभ है, तुम्हारे संकल्प अच्छे हैं, उसमें लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है, तो तुम तो सिर्फ उसको शुरू करोगे, उस काम को समाप्त मैं करूंगा, ऐसा ईश्वर ने कहा है। यहां पर बच्चों ने भी भारतीय सेना की ड्रेस पहनी थी। मैं एक चीज और यहां से बड़ी कहना चाहूंगा, एक शहीद परिवार होने के नाते एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारतीय सेना, एक बार और बोलेंगे, बोलो भारत माता की, वंदे इंकलाब। हमारे देश में राजनीति करने वाले कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो भारतीय सेना से भी सबूत मांगने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना को सबूत देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अपने घर में तकिया लगा करके सो रहे होते हैं, उस समय वो बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं, तब क्या हम उनसे सबूत मांगने जाते हैं? हमेशा याद रखिए, आप सब संकल्प लीजिए, भारत देश में यदि कोई भी नेता अभिनेता यदि सेना से सबूत मांगेगा तो मैं और हम सब भारतवासी, उससे पहले हमसे बात करो, हम सबूत देंगे, क्योंकि पूरा भारत भारतीय सेना के साथ है। मैंने कहा अभी अभी भारतीय सेना ने इतना बड़ा कदम लिया, भारतीय सेना ने यदि कह दिया कि हमने स्ट्राइक की, हमने आतंकवादी मारे, हम पूछने वाले उनसे कौन होते हैं? कोई हक नहीं बनता हमारा पूछने का। मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश में हम रहते हैं, आप सबको पता है, यहां पर बच्चे बैठे होंगे, उनको मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, 1,96,08,53,119 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। इतनी पुरानी संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए कि मैं उस भारत का हूं, और हमें गर्व होना चाहिए कि मेरा दाया हाथ है दक्षिणांचल और बाया हाथ है पूर्वांचल, मेरे पैरों में है हिंद महासागर और मेरा सिर हिमालय है। मैं आज ही वो सब कुछ करूंगा जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, दूसरे दिन का इंतजार हमको नहीं करना ना। क्यों? क्योंकि हम वो भारतवासी हैं, हमारे वेदों ने कहा है, हमारे हर समाज ने कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, उस दयानंद सरस्वती ने जिसने इतने बड़े बड़े क्रांति हमारे देश को दिए, उनका कहना है कि हम एक हाथ में सृजन और दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सब कीर्ति ज्वाला में चलते, हम अंधियारों में चलते, हम अंधियारों में चल के रोशनी करते हैं, सब कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारों में जलते हैं, आंखों में वैभव के सबने, पग में तूफानों सी गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस चीज की हिम्मत हो, आए जिस चीज की हिम्मत हो। और उस पड़ोसी देश से एक बार मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की पंक्ति है कि एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, अश्रु श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह सदा अपने ही घर खड़ा होता है, अपने हाथों अपनी कमर न खोदो। बोलिए भारत माता की, अपने हाथों अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों वाद कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ऐ नादान पड़ोसी आंखें खोलो, आजादी अनमोल में इसका मोल गवाओ, पर तुम क्या जानो आजादी होती है, मुफ्त में मिली न कीमत कई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज न आई, अमरीकी शस्त्रों से, आजकल तो चीनियों से भी बहुत उन्होंने दोस्ती जोड़ ली है, वहां शिक्षा लेने जाते हैं भारत से लड़ने के लिए, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम तुम रख लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो, धमकी जिहाद के नारों से
कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो, अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर में तपन शेष, तब तक स्वातंत्र की समर वेदी पर अर्पित होंगे यौवन जीवन आशेष। फिर चाहे विश्व ही क्यों ना हो विरुद्ध, कश्मीर में भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं बीसों करो समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। ये देश है, ये सभ्यता है हमारी, कश्मीर के जम्मू के राजमा चावल से लेकर के पंजाब की मक्के की रोटी से लेकर के दक्षिण भारत के इडली डोसे तक का आहार एक है, भारत एक है। भांगड़ा से लेकर के भरतनाट्यम तक ये सारे नृत्य एक है, भारत एक है। उधर अमरनाथ से लेकर के रामेश्वरम तक के सारे तीर्थ एक है, भारत एक है। ऐसी ही संस्कृति और सभ्यता के हम संवाहक हैं। उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, बच्चों हमेशा याद रखना, अभी सारे बच्चों ने चित्र खींचा है, जो युवान है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में कोशिश कभी नहीं छोड़ना, कोशिश जरूर करना, क्योंकि जीतते वही है जो कोशिश करते हैं। खासतौर से मैं बच्चों को कह रहा हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्नी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मगर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना और गिरकर फिर से गिरना उसको ना खरता है। आखिर उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, पर खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर आप असफल भी हो गए हमेशा याद रखना, ईश्वर भी असफल हुए थे एक बार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई सोचो समझो, उसमें सुधार करो, पर संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम, क्योंकि कुछ भी किए बिना ही जय जय कार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों यदि तुम गुलाब हो तो हमेशा याद रखना, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गुलाब हूं, अरे गुलाब तो मिलो दूर से महकता है, लोग तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। इसलिए जीवन में एक बात और सबक दे रहा हूं यहां कि जीवन में कभी नशा नहीं करना, क्योंकि हम परम सत्ता ने हमें यहाँ पर भेजा है, एक ही जीवन हमें दिया है, उसने हमको चुना है, ये गर्व करो कि मुझे ईश्वर ने चुना है ये पुण्य कार्य करने के लिए। मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा और नशा करके बेहोश भी नहीं होऊंगा। मैं जब बेहोश होऊंगा या तो मरने के बाद होऊंगा या सोने के बाद होऊंगा, और अपने सभी साथियों से भी कहूंगा कि जिंदगी में कभी नशा नहीं करना। अब एक बार